So very good afternoon to all of you. Bete, this is next chapter we are going to start today, short run equilibrium output. Basically this unit is all about determination of equilibrium level of output of an economy. ठीक है, ये केन्जियन इकोनॉमिक्स है जो हम पढ़ रहे हैं. इससे पहले हमने एक चैप्टर किया एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में जाना, एग्रीगेट सप्लाई कॉन्सेप्ट के बारे में जाना. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी स्टडीड अबाउट दीज टू कॉन्सेप्ट्स. क्योंकि बेटे जो इकोनॉमी है उसका इक्विलिब्रियम जब हम डिटरमिन करते हैं, दैट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. लास्ट ईयर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम स्टडी किया. ठीक है, उसकी क्या कंडीशन होती है, व्हेन इज अ कंज्यूमर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किया, व्हेन इज प्रोड्यूसर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. आपने मार्केट का इक्विलिब्रियम किया, व्हेन इज मार्केट सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. ठीक है, अब हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी. यानी एक इकोनॉमी क्या लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके या कितना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट करके या किस लेवल ऑफ इनकम पर इक्विलिब्रियम अटेन कर सकती है. ठीक है, तो एक केन्स कहता है कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम उस लेवल पर आता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है. तो अब आपको पता चल गया एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, दैट इज एग्रीगेट प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर विच पीपल और सेक्टर्स प्लान टू इनकर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दी कंट्री. ठीक है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर शुड बी इक्वल टू प्लान्ड आउटपुट, दैट इज व्हाट दी पीपल आर प्लानिंग टू बाय. इफ इट बिकम्स इक्वल टू व्हाट दी प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, देयर इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि इस साल हमने 100 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस करनी है. इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स कहते हैं इस साल हमने 100 करोड़ के गुड्स और सर्विसेज खरीदने हैं. ठीक है, तो जितना वो मार्केट में प्रोड्यूस करके लेके आना चाहते हैं उतना ही लोग खरीदने को तैयार है. तो दिस इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ द इकोनॉमी, दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन शॉर्ट रन चैप्टर्स नेम इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट. हेडिंग दीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट. जल्दी जल्दी लिखना है बेटे, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट. अकॉर्डिंग टू केन्जियन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू केन्जियन थ्योरी, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज stated in terms of aggregate demand and aggregate supply. According to Keynesian theory, equilibrium condition is stated in terms of aggregate demand and aggregate supply. An economy is in equilibrium. An economy is in equilibrium when aggregate demand for goods and services is equal to aggregate supply during a given period of time. During a given period of time. So,
Equilibrium is achieved when, next line में लिखेंगे, so equilibrium is achieved when AD is equal to AS. Now AD is a sum total of C and I, ठीक है, and AS is the sum total of C and S. From this we get C plus I equals C plus S. बेटे AD क्या है? C plus I है. AS क्या है? C plus S है. ठीक है, तो AD equal to AS means C plus I equals C plus S. Now C equal to C है, तो इसका मतलब from here we conclude S equal to I. ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? इट मीन्स, लिखे इट मीन्स, अकॉर्डिंग टू केन्स देर आर टू अप्रोचेस, देर आर टू अप्रोचेस फॉर डिटर्मिनिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. Equilibrium level of income and employment in the economy. There are two approaches for determining equilibrium level of income and employment in the economy. कौन कौन सी दो approach हुई? Number one, ADAS approach, and number two, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ठीक है, ADAS अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो सबसे पहले हम करेंगे ADAS अप्रोच. AD AS अप्रोच, राइट डाउन. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, very few students have joined the class today, only 28. Write down ADAS approach. According to this approach, the equilibrium level of income and output, the equilibrium level of income and output is determined where AS is equal to AD. ये अप्रोच क्या कहती है कि एक इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम या एम्प्लॉयमेंट, बेटे ये जो टर्म्स है ना, जहां पर जो लेवल पे इक्विलिब्रियम आएगा वो सेम सबके लिए सेम होगा, फॉर आउटपुट, फॉर इनकम एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, सो ASAD अप्रोच क्या कहती है कि एक इकोनॉमी वहां पर इक्विलिब्रियम पे होगी जहां पर AS जो है वो AD के इक्वल होगा. ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं AS क्या है. AS फंक्शन हमने वैसे प्रीवियस चैप्टर में कर लिया है, एग्रीगेट सप्लाई. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी यूजिंग ASAD अप्रोच, तो आपको उसमें सब कुछ दोबारा से बताना पड़ेगा. सो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन. राइट डाउन, AS रेफर्स टू द फ्लो ऑफ, AS रेफर्स टू द फ्लो ऑफ goods and services as planned by the producers, as planned by the producers to be produced in an accounting year.
in an accounting year. According to Keynes, AS is directly and proportionately related to level of employment. AS is directly and proportionately related to the level of employment. Directly related to employment means अगर employment बढ़ेगी तो planned output यानी कि aggregate supply बढ़ेगी. Proportionately related का मतलब जितने percent employment बढ़ेगी उतने percent ही aggregate supply यानी कि planned output बढ़ेगी. ठीक है. Thus AS curve is a positively sloped straight line starting from the origin and I'm repeating, AS curve is a straight positively sloped straight line starting from the origin and making an angle of 45 degrees. Making an angle of 45 degrees. तो जौन सा कर्व बनाना होता है वो हम y एक्सिस पर लेते हैं. तो इधर मैंने एग्रीगेट सप्लाई लिख लिया है. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर. तो x एक्सिस पर मैंने लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ले लिया. AS कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा और 45 डिग्रीज का एंगल बनाएगा. रीजन, अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगी. ठीक है. 45 डिग्रीज क्यों है? क्योंकि प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही, जिस परसेंटेज में ये बढ़ रहा है उसी परसेंटेज में आउटपुट बढ़ेगी. ठीक है. ऑल राइट, ये बन गया यहां तक बेटे. थम्स अप कर दो इफ यू हैव मेड इट. ओके, नेक्स्ट बेटे एडी फंक्शन. ये हो गया ऑल अबाउट एग्रीगेट सप्लाई. नेक्स्ट है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन. एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एडी फंक्शन इन केन्जियन फ्रेमवर्क. एडी फंक्शन इन केन्जियन फ्रेमवर्क इज द समेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन. सो इफ यू रिमेंबर AD equals C plus I. ठीक है. अब इन दोनों को हम एक्सप्लेन करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं. इसको हम कहते हैं डिजायर्ड कंजम्पशन. बेटे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक मिनट इधर ध्यान दीजिए, बाद में लिख लेना. ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, ये सब ये एक्स एंटे हैं. एक्स एंटे मींस प्लैंड है, एक्चुअल नहीं है. ठीक है. तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये एक्स एंटे है, इसको हम डिजायर्ड कंजम्पशन कहेंगे, एक्चुअल कंजम्पशन नहीं कहेंगे. ठीक है. तो इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया डिजायर्ड कंजम्पशन इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम. जो कंजम्पशन है आपकी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनकम के ऊपर डिपेंड करती है. कैसे डिपेंड करती है? इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है. इसका मतलब ये उसका पॉजिटिव फंक्शन है. एंड कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन. कंजम्पशन कर्व कहां से स्टार्ट होता है? अबव द ओरिजिन. आई एम रिपीटिंग, डिजायर्ड कंजम्पशन इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम एंड
consumption curve starts from above the origin. उसके बाद लिखिए desired investment. Desired, इसको underline कर लो चाहे. Desired investment expenditure is assumed to be autonomous. Desired investment expenditure is assumed to be autonomous so that it is not related to the level of income in the economy. Desired investment expenditure is assumed to be autonomous so that it is not related to the level of income in the economy. Ab hum AD curve banate hain. Kya hai AD? AD is a sum total of C plus I. To sabse pehle hum axis bana lete hain. Kiske upar depend karta hai ye level of income ke upar. तो एक्स एक्सिस पर लेवल ऑफ इनकम इधर सी आई ए डी. इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस अज्यूम की यानी इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती यानी हर लेवल ऑफ इनकम पर ये सेम रहेगी. तो फर्स्ट लाइन को आप आई आई फर्स्ट लाइन पे लाइन लगा दीजिए आई आई. यहीं से आप सी सी कर्व स्टार्ट कर दीजिए. पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है क्योंकि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है. ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन जीरो नहीं होती रादर ये पॉजिटिव होती है. अब एडी क्या है सी प्लस आई. ये सीसी कर्व है इसमें इतना आई ऐड कर दीजिए. इतना आई मींस एक लाइन ऊपर इसको आप एडी इक्वल्स सी प्लस आई. ठीक है नीचे लिख लीजिए दस एडी कर्व. दस एडी कर्व इज ए पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम अबव द ओरिजिन. एडी कर्व की क्या शेप आई पॉजिटिवली स्लोप्ड है और ओरिजिन के ऊपर से है. ठीक है नेक्स्ट हेडिंग डालिए टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. ये कॉलम्स बनेंगे बेटे. पहला कॉलम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन लैक्स लिख लेते हैं. एग्रीगेट सप्लाई इसको हम इनकम भी कह देते हैं. एक ही बात है जितनी की आउटपुट प्रोड्यूस होगी या प्लान करेंगे उतने की ही इनकम जनरेट होगी. तो ए एस या वाई लेवल ऑफ इनकम. लेवल ऑफ इनकम लिख लो इसको. चलो लेवल ऑफ इनकम रुपीस करोड़. ठीक है तीसरा कंजम्पशन. हमारा जो थर्ड कॉलम है वो हम लिखेंगे कंजम्पशन अगेन इन रुपीस करोड़. फोर्थ कॉलम इन्वेस्टमेंट रुपीस करोड़. फिफ्थ कॉलम एडी इक्वल्स सी प्लस आई. रुपीस करोड़. ठीक है अब सबसे सिंपलेस्ट टेबल बेटे हमने लर्न किया हुआ है. हमने जीरो से स्टार्ट करना है. हंड्रेड का गैप डाल देना है. ये है हमारी एम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट रिलेशन है. मतलब अगर जीरो लोग काम पे लगे हैं
तो आउटपुट कितनी प्रोड्यूस होगी? जीरो, यानी इनकम कितनी जनरेट होगी? जीरो। अगर 100 लोग काम पे लगे हैं तो आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा? 100। 200 लगे हैं तो 200। ठीक है, मतलब आपको ये फिगर्स रिपीट करनी है यहाँ पे, बिकॉज देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है, अब जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो क्या आपकी इकोनॉमी के लोग जीरो कंज्यूम करेंगे, भूखे बैठे रहेंगे? नहीं, दे विल डू कंज्यूम समथिंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। से दे कंज्यूम 50 rupees आइदर फ्रॉम देयर पास्ट सेविंग्स और फ्रॉम बोरोइंग्स। सो नाउ एज इनकम इंक्रीजेस बाय 100 rupees कंजम्पशन ऑफ कोर्स विल इंक्रीज, बट इट विल नॉट इंक्रीज बाय 100 rupees। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या कहता है? इनकम बढ़ती है, लोग कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, लेकिन इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑलवेज लैग्स बिहाइंड इंक्रीज इन इनकम। यानी अगर यहां पर हर बारी 100 रुपए इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन 50 rupees बढ़ेगी। तो 50 से स्टार्ट कीजिए, 50 का ही डिफरेंस रखिए। ये आ गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, डन। नेक्स्ट कॉलम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने क्या अज्यूम की? ऑटोनॉमस, यानी ये लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो लेट अस से एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट वाज ₹100, इट वुड रिमेन सो एट ऑल द लेवल्स ऑफ इनकम। ठीक है, नाउ व्हाट इज एडी? एडी इज सी प्लस आई। तो इन दोनों को ऐड कर लो, आपके पास एग्रीगेट डिमांड आ गया। इसको लर्न नहीं करना, इसको सिर्फ ऐड करके लिख देना हमें। ठीक है, अब हमें इस इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमिन करना है। हम ये चाहते हैं ये देखना कि इस इकोनॉमी में कितना लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करे ताकि इकोनॉमी स्टेट ऑफ बैलेंस अटेन कर सके। तो वो केन्स ने क्या बोला, एक इकोनॉमी कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे मानी जाती है? जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। तो ये एग्रीगेट डिमांड का कॉलम है, ये एग्रीगेट सप्लाई का कॉलम है। आप देखो कहाँ पे ये दोनों इक्वल है। At 300 level of employment, see, जब इस इकोनॉमी में 300 लाख लोग हमने काम पे लगाए तो प्रोड्यूसर्स कहते हैं हम 300 करोड़ रुपए की आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं या करेंगे या करने का प्लान कर रहे हैं। और इकोनॉमी के लोग कहते हैं कि हम 300 करोड़ रुपए का सामान खरीदने को प्लान कर रहे हैं। So whatever they are planning to produce, planning to sell is equal to whatever they are planning to buy. So economy is said to be in equilibrium. लिख लो नीचे, ये आपने underline कर लिया, इसको box में डाल दो। नीचे लिखिए equilibrium is struck when, equilibrium is struck when planned output, प्लैंड आउटपुट क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई, ब्रैकेट में लिख लो एग्रीगेट सप्लाई, इज इक्वल टू प्लैंड एक्सपेंडिचर। प्लैंड आउटपुट एएस इज इक्वल टू प्लैंड एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख लो एडी, विच इज इक्वल टू रुपीज 300 करोड़। ठीक है, यहां पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है। जब हम 300 करोड़ रुपए की आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 300 लाख रुपए लगा के, लाख लोग लगा के, क्योंकि यहां पर जितना वो प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने का उतना ही लोग खरीदने का भी प्लान
कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बुलेट डाल के लिखिए, इफ ए एस हैपन्स टू बी ग्रेटर देन ए डी, इफ ए एस हैपन्स टू बी ग्रेटर देन ए डी और लेस देन ए डी, देन ए एस एडजस्ट इट्सेल्फ, ए एस एडजस्ट इट्सेल्फ टू ए डी एंड अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। अगर ए एस ए डी से ज्यादा हो जाता है, जस्ट लाइक इन दिस केस, या ए डी से कम होता है, तो उस केस में ए एस अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ताकि ये ए डी के बराबर हो सके और इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो हमें ए एस चाहिए कर्व, ए डी कर्व चाहिए, और ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो एक्स एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वाई एक्सिस पर ए एस ए डी। एक्सिस बना लीजिए, उसके बाद यहां पर आर्क लगाएंगे, इसको मिड में से एक पॉइंट लगा दो, ये 45 डिग्री लाइन बन गई। 45 डिग्री लाइन कौन सा कर्व रहेगा, एनीवन? ये कौन सा कर्व है जो मैंने अभी बनाया, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है, कौन सा कर्व है ये, ए एस कर्व, यस। और ए डी कर्व कैसा होगा, आप चाहो तो बेटे ये स्केल लिख लो यहाँ पे और फिर बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा ही है कि एडी कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अबव द ओरिजिन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये एडी कर्व हो गया वंशिका, वेरी मच राइट। ठीक, ये ध्यान रखना डायग्राम बनाते हुए बेटे, ये कर्व्स आपके एक्सिस से बाहर नहीं कहीं जाने चाहिए, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं फिर। अब ये दोनों कर्व्स कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एट पॉइंट ई, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे वाई लिख दो, ठीक है, वाई लिख दो, एन लिख दो, कुछ भी लिख दो, डन। लिखे इसकी एक्सप्लेनेशन, इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक, इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट पॉइंट एज हेयर ए एस इज इक्वल टू ए डी, इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट पॉइंट ई एज हेयर ए एस इज इक्वल टू ए डी एंड ओ वाई लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इज रिस्टोर्ड, ओ एल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इज रिस्टोर्ड। नेक्स्ट लाइन में बुलेट डाल के लिखो, इफ ए एस इज ग्रेटर देन ए डी, राइट डाउन, वेन ए एस इज ग्रेटर देन ए डी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इन एन इकोनॉमी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इन एन इकोनॉमी
tends to exceed their demand. जब बेटे AS AD से ज्यादा है, that is producers are planning to produce more and people are planning to buy less, which means flow of goods and services in an economy tends to exceed their demand. Full stop. As a result, some of the goods will remain unsold. Some of the goods will remain unsold. To clear unwanted stock, the producers would plan a cut in their production. Would plan a cut in their production. Consequently, AS would reduce to become equal to AD, and equilibrium will be established. समझ लो बेटे, अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, इसका मतलब जो प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो डिमांड से ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब कुछ गुड्स जो है ऑब्वियसली अनसोल्ड रहेंगे. अब इन अनसोल्ड स्टॉक्स को हमने क्लियर ऑफ करना है, तो उसके लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो अगले साल प्लान करेगा कि मैं कम आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है. जब वो कम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा अगले साल, तो आउटपुट कम रहेगी एंड इट विल बिकम इक्वल टू एडी एंड इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर्ड. नेक्स्ट में लिखेंगे, इफ एएस इज लेस देन एडी, ये सिचुएशन भी आ सकती है, एएस लेस देन एडी, यानी प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि हमें कम आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, लोग ज्यादा लेने को तैयार हैं, तो उस केस में अनफुलफिल्ड डिमांड जाएगी, तो प्रोड्यूसर्स प्लान करेंगे कि नहीं भी हमें ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, वो अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, आउटपुट बढ़ेगी, वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाएगी, अगेन इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर्ड, ठीक है. ओके, रेस्ट वी विल डू टुमारो, हैव अ नाइस डे.